गाइस यार भाई सुबह से वीडियो नहीं आई थी और कल रात को भी वीडियो नहीं आई थी और दोनों टाइम रीज़न सेम ही, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो फ़ोन चार्ज ही नहीं था और फ़ोन चार्ज ही नहीं होगा तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा, लेकिन भाई अभी जो फ़ोन भाई फुल चार्ज हो गया तो वीडियो आ चुकी है। और देखो भाई सबसे जो मेरा फेवरेट पे व्यू और समर स्लैम 2022 वो आने वाला है, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यस समर स्लैम को लेकर भी काफ़ी सारी अपडेट्स आने वाली काफ़ी वीडियोज में, इस वीडियो में भी अपडेट्स सही है। तो यस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लो बिना स्किप किए, अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगला मैं चैनल नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देता को शेयर कर देना, क्योंकि चैनल पर आपको WWE की न्यूज़ अपडेट देखने को मिलती रहती है। चलिए आज के माइक के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे बातों को शुरू कर लें भाई समर स्लैम 2022 के टिकट सेलिंग के साथ, तो यहाँ पर जो भाई टोटल कैपेसिटी अलॉट की WWE ने वो है भाई 35,877 और जो टिकट सेल हो चुकी है वो है 28,243। तो यहाँ पर लगभग भाई 7,000 के आसपास जो टिकट्स वो सेल होना बाकी है और मुझे लगता है अभी कैपेसिटी और भी बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर जो ये टिकट्स वो भी सेल हो जाएगी, हो सकता है जो फाइनल नंबर है वो भी 40 या फिर 42,000 के आसपास हमें आता हुआ नजर आ सकता है। बाकी फिलहाल के लिए ये कुछ टिकट सेलिंग है और देखने से लग रहा है कि भाई थोड़ी सी हल्की से कम है, यहाँ भाई 30-32,000 हो गई होती तो काफ़ी अच्छी रहती, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसे बात हो ही रही समर स्लैम की, तो बात करते हैं समर स्लैम के न्यू पोस्टर के बारे में जिसमें ब्लॉक लेना फीचर है। सिंगल सुपरस्टार का पोस्टर आप देख पाए होंगे और थोड़ा इसको देखें, यहाँ पे जो ओल्ड पोस्टर है उनकी वाइब आ रही है और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने आपको बता दिया। और मेरे हिसाब से ये प्रमोशनल पोस्टर है टिकट सेलिंग के लिए शायद लगाया होगा। ऐसे बात करेंगे मॉन्टेस फोर्ड के बारे में, तो भाई मॉन्टेस फोर्ड को लेकर गुड न्यूज़ आई है और कह सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है, बिकॉज यहाँ पे रिपोर्ट का ये कहना है कि WWE प्लान कर सकती है मॉन्टेस फोर्ड का एक सिंगल्स पुश, और देखते हैं भाई सिंगल्स पुश अगर मिलता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, पर किस फॉर्म में मिलता है, किस टाइटल के लिए मिलता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्या रोमन रेंस के सामने जाने वाले हैं, उनके सामने तो शायद एक बार जा चुके हैं, तो देखते हैं भाई किस टाइम का सिंगल्स पुश रहता है। पर अपडेट ये है कि सिंगल्स पुश हमें देखने में मिल सकता है, मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। वैसे बात कर लें लिव मॉर्गन के बारे में, जो कि हमारे न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन, कल ही उन्होंने जो MITB का ब्रीफ केस जीता था और सेम ही नाइट को उन्होंने कैसे यहाँ पे जो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप है वो भी क्लेम कर लिया। तो यहाँ पे भाई उसको लेकर कुछ बातें हैं, और भाई सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो समर स्लैम में क्या करने वाले लिव मॉर्गन, उसके जो प्लान है वो ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं। तो यहाँ पे भाई WWE का करंट प्लान यही है कि समर स्लैम में एक टाइप का कैसे तो रीमैच होने वाला है रोंडा राउजी वर्सेस लिव मॉर्गन समर स्लैम फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। और ऑब्वियस बात है ये तो होगा ही, बिकॉज लिव मॉर्गन जो रोंडा राउजी उन्होंने अभी अभी अपनी चैंपियनशिप हारी है, तो ऑब्वियस बात है वो एक रीमैच तो डिजर्व करती करती है। तो हाँ ये हमें रीमैच देखने में मिलने वाला है और ये एकदम कन्फर्म है। जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो भी लिव मॉर्गन और रोंडा राउजी से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे बताया ये भी जहाँ रिपोर्ट्स आई है कि जो रोंडा राउजी का फोटोग्राफर है उन्होंने इसने बात रिवील की है कि भाई रोंडा राउजी का खुद ने डिमांड किया था WWE से कि उन्हें जो भी टाइटल लॉस दे दिया जाए और टाइटल उनसे छीन के दे दी जाए लिव मॉर्गन को। तो ये भाई WWE का डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन लिव मॉर्गन का नहीं था, ये डिसीजन था भाई खुद यहाँ पे रोंडा राउजी का कि उन्हें टाइटल हारनी है और टाइटल देनी है लिव मॉर्गन को। तो ये भी काफ़ी अच्छा डिसीजन मुझे लगा है। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो तो रोंडा राउजी जानती है, पर जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। और रोंडा राउजी ने भाई लिव मॉर्गन को ये भी कहा जीतने के बाद, जैसे वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप जीत गई थी तो गले लगते हुए उन्होंने कहा था रोंडा राउजी ने लिव मॉर्गन को कि यू डिजर्व इट। तो यस रोंडा राउजी के हिसाब से यहाँ पर जो लिव मॉर्गन है वो डिजर्व करती है जीतना, और मेरे हिसाब से भी डिजर्व करती है। तो जो हुआ अच्छा ही हुआ है, और काफ़ी अच्छा पे पर व्यू था और काफ़ी अच्छी ये चीज़ भी थी। बात करें तो कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ जो हमें जानने को मिलेगी वो सेथ रॉलिंस की आगे वाली डायरेक्शन। और सेथ रॉलिंस रॉ के एपिसोड को मिस कर दे ऐसा तो होता नहीं है, होगा तो काफ़ी बढ़िया शॉकिंग होने वाला है मेरे लिए, हो जाए तो अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता वैसा होने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है वो प्रोमो तो कट करेंगी, भले WWE ने एडवर्टाइज कर रखा हो या फिर नहीं कर रखा हो, एक चीज़ तो हम मान ही लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो दो चीज़ें वो WWE ने एडवर्टाइज कर रखी है, एक होने वाला मिस्टीरियस वर्सेस जजमेंट डे का मैच, जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर मैच होगा तो हम देख ही लेंगे और रॉ के रिव्यू भी आई जाएगा। और यहाँ पे अनाउंस भाई मिस का सेगमेंट, मिस जो यहाँ पे बेसिकली आंसर करने वाले लोगन पॉल के चैलेंज को। अब लोगन पॉल वहाँ पे अपीयर होंगे या फिर नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मिस अपीयर होने वाले हैं और मिस टीवी का सेगमेंट होगा, मिस जो है ना भाई रेस्पॉन्ड करने वाले लोगन पॉल के चैलेंज को, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसे बात कर लेंगे नेक्स्ट फाइनल अपडेट के बारे में, तो ये भी भाई समर स्लैम से ही जुड़ी हुई है। तो समर स्लैम के यहाँ पे WWE ने एक और मैच ऑफिशियल कर दिया है, और ये मैच भाई पैट मैकफी और हैप्पी कॉर्बिन का, और हाँ यहाँ पे जो कल मनी देवन के बाद ऑफिशियल कर दिया था, लेकिन यस कल वीडियो नहीं आई थी तो मुझे इस वीडियो में बताना पड़ रहा है ये बात। तो यहाँ पे भाई ये मैच ऑफिशियल हो चुका है, देखने से लग भी जाता काफ़ी जल्दी ऑफिशियल हो जाएगा। वहाँ पे बताया ये भी चाह रहा है कि मनी इन द बैंक के बाद जो यहाँ पे हैप्पी कॉर्बिन है ना पैट मैकफी पे एंड ऑफ डेज लगा दिया, अटैक कर दिया था, और फिर यहाँ पे जो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। लेट्स सी ये मैच कैसा होता है, और इस मैच के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे मैं पूरे पेपर व्यू के लिए एक्साइटेड हूँ, आप एक्साइटेड हो या फिर नहीं आप बता सकते हो। बाकी जैसे वीडियो को इन्फॉर्मेशन थी, मैं मिलता हूँ किसी नेपड़ों किसी नेपड़ सारा, तो बाय टेक केयर।